जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। चलिए, काफ़ी लंबे समय के बाद हम वीडियो लेके आ पाए हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम था कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था और उसके बाद में फिर भंडारा था, और भंडारे से फ्री होने के बाद में अकाउंट को, यानी हमारा जो फेसबुक अकाउंट है उसको हैक कर लिया गया। तो ये एक से एक थोड़ा सा बिजी हो गए थे इस सारे मसले में, और अकाउंट हमारा वापस आ चुका है। और जो जिसने अकाउंट को हैक किया था वो बंदा गाजियाबाद का था, सेक्टर 14, और जॉब करता था वो चंडीगढ़, ठीक है, दो जगह रहता था, लेकिन उसको पकड़ा गया आगरा से। और अकाउंट हमारा हमारे पास आ चुका है, रिकवर हो चुका है, और काफ़ी लंबे समय से हमारे आश्रम की कॉलिंग बंद थी, जैसे कि, और जिन लोगों के काम बीच में पेंडिंग रुक गए थे, जैसे कि स्वास्थ्य खराब हो गया, उसके बाद में फिर आश्रम में भंडारा, ये सब कुछ के चलते बिजी हो गए थे। इन सारी चीज व्यवस्था करने में और स्वास्थ्य रिकवर होने में टाइम लग गया, लेकिन आई एम कम बैक, मैं फिर आ चुका हूँ और फिर एक्टिव हो चुका हूँ सोशल मीडिया पर। अब नया धमाल मचाएंगे और तंत्र की आपको एक से एक गुड़ी जानकारी मैं आप लोगों के बीच लेके आऊँगा, ताकि तंत्र जो कि विलुप्त होने की कगार पे है, हमारे चैनल पे आपको एक से एक रहस्यमय गुप्त साधनाएं मिलेंगी, जिनका प्रचलन किसी बुक किसी सोशल साइट पे नहीं होगा, केवल एकमात्र हमारे ही चैनल पे होगा। इन सारी चीज़ों की जानकारी, और जैसे कि किसी पे कोई भी समस्या है तो हमारा शनिवार टू शनिवार गद्दी लगती है, और बहुत जल्दी आश्रम में दरबार लगना भी शुरू हो जाएगा। जैसे ही मंदिर निर्माण हो जाएगा उसके बाद में दरबार भी लगना शुरू हो जाएगा। एक पूरी तरीके से टीम काम करेगी और आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप तंत्र साधनाएं सीखना चाहते हैं तो शिव शक्ति साधना केंद्र में आ सकते हैं। आप तंत्र काट कराना चाहते हैं, आपको कोई भी समस्या है, घरेलू, घर कलेश, बिजनेस, कारोबार, बरकत नहीं हो रही है, आप कोई भी गाड़ी लेते हैं नहीं चल पाती है, कोई बिजनेस करते हैं वो नहीं चल पाता है, औंधे मुँह गिर जाता है, वनते काम बिगड़ जाते हैं, तंत्र की किसी भी समस्या को लेके, या फिर कोई आपके घर में व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और दवाई नहीं लग रही है, कारोबार में रुकावट, शादी में रुकावट, या फिर आपके बिजनेस में रुकावट, एजुकेशन में रुकावट, विदेश यात्रा में रुकावट, ऐसी हर समस्या के समाधान के लिए आप हमारे शिव शक्ति साधना केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, यानी कि आप हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, या आपकी वाइफ का कहीं बाहर अफेयर है, या आपके हस्बैंड का कहीं बाहर अफेयर है, या आपके पार्टनर का, प्रेमी का, प्रेमी का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, थर्ड पर्सन के चलते आपके जीवन में जो आपका एक रिलेशनशिप चल रहा था वो ख़त्म होने की कगार पर है, ऐसी समस्याओं का समाधान, या बहुत लंबे समय पे आपके घर पे किसी ने करा दिया है तंत्र बाधा, कुल देवी बंधन, कुल देवता बंधन, इष्ट पित्र, कोई भी दोष है, अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, या आप दुनिया में दिखा दिखा के थक गए, क्या आप हार गए और आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो आप एक बार शिव शक्ति साधना केंद्र में आके संपर्क कर सकते हैं। बाबा महाकाल की कृपा से यहाँ पे एक बार व्यक्ति जो आ जाए उसका रिजल्ट आपको हमारी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, कि हमारे पास वो जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान किया जाता है जो पूरे भारत में कहीं ना हो। दूर दूर से लोग हमारे पास भारत के कोने कोने से आते हैं, तंत्र काट कराते हैं, अपनी समस्या का समाधान कराते हैं, या आपकी वाइफ आपको मैके चली गई है, छोड़ के चली गई है, आपका हस्बैंड छोड़ के चले गया है, ये घर जोड़े वाले जो काम होते हैं जिससे कि किसी का घर ना टूटे, किसी का बच्चा अपनी माँ से ना बिछड़े, किसी का बच्चा अपने बाप से ना बिछड़े, ऐसे हमारे पास कार्य किए जाते हैं। जो कार्य कहीं ना हो वो शिव शक्ति साधना केंद्र में होते हैं।
वाकूफी होते हैं, करने वाला होना चाहिए और करने वाले में दम होना चाहिए और उसके पास वो विद्या और वो ज्ञान होना चाहिए। उसके जो गुरु हों वो उच्च कोटि के हों, यानी कि उसके गुरु के पास अगर ज्ञान होगा तभी तो उसको मिलेगा। बाकी तो सोशल मीडिया पे बते दे फिरोज बाबा बैठे हैं, जाके कहीं और भी ट्राई कर सकते हो। और रातों रात कोई वशीकरण नहीं होता है, समय लगता है उसमें, ठीक है। तो ऐसी जानकारियों के लिए, और आई एम कम बैक, अभी आप मेरी वीडियो देख के, अच्छा ये बताइए कितने लोगों को खुशी होगी वीडियो देख के कि गुरु जी आ गए हैं और गुरु जी पुराने वाले रोले में हैं। और ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, साधनाएं करना चाहते हैं, तंत्र को बारीकी से जानना चाहते हैं, तंत्र का वैशिक ज्ञान अगर आपको चाहिए तो आप शिव शक्ति साधना केंद्र में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे साधक तैयार किए जाते हैं, सनातन से लोगों को जोड़ा जाता है, उनकी कुल देवी कुल देवता, अगर आप अपनी कुल देवी या कुल देवता की शवादी लेना चाहते हैं या उनकी गद्दी लेना चाहते हैं, या आप भूल गए कि आपकी कुल देवी कौन है कुल देवता कौन है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे शिव शक्ति साधना केंद्र में संपर्क भी कर सकते हैं। वहां पे आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपकी कुल देवी कौन है कुल देवता कौन है, स्कैनिंग के माध्यम से सब कुछ बता दिया जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साधनाएं करना चाहते हैं तब आप हमारे शिव शक्ति साधना केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारा आगामी शिविर लगने वाला है 8 अप्रैल से और आपका 18 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि में सानिध्य शिविर। तो सानिध्य शिविर में हम 15 साधनाएं करा रहे हैं और सारी तामसी के, जिसमें सारी कुल देवियां हैं, सारे बाबरी हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी साधनाएं हम आपके इस शिविर में कराने जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक भी साधना कर ले तो वादे के न्यारे हो जाए, गद्दी लगा सकता है, दरबार लगा सकता है, किसी के निगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकता है, कुछ भी A to Z, किसी का भूत हटा सकता है, प्रेत हटा सकता है, किसी के मन की बात जान बता सकते हैं आप, यानी कि सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से कराई जाएंगी। तो आप जैसे कि अभी हम व्यस्त थे तो रजिस्ट्रेशन बंद थे क्योंकि फ़ोन ही बनता महीने भर से, तो बहुत सारी कॉल्स होंगी हमारे पास, बहुत सारे मैसेज होंगे। तो अभी आश्रम का एक दूसरा नंबर आज हम पब्लिक कर रहे हैं, तो वो नंबर आश्रम का आप नोट कर ले और स्क्रीन पे भी फ्लैश होता मिल जाएगा। आश्रम का नंबर है 8266857509, दोनों के साथ पीछे के 6 डिजिट सेम है और ये भी आश्रम का ही नंबर है। इस पे भी कॉल रिसीव की जाएगी और सभी लोगों से बात की जाएगी, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आपको असुविधा हो रही है, तो उसके लिए हम कॉल डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और मैं उन लोगों से बोलूँगा जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, वो नए नंबर पे कॉल करें। जो नंबर हम आप दे रहे हैं, न्यू नंबर जो आप पब्लिक कर रहे हैं, उस नंबर पे कॉल करें रजिस्ट्रेशन कराने वाले, उस पे आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस शिविर में जैसे सभी का पैकेज होता है, हमारे शिविर में आप वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जाके वीडियो होम में जाके वीडियो देख लेना हमारे वीडियोस में, वहां पे आपको संपूर्ण जानकारी शिविर की पूरी मिल जाएगी। क्या करना है कि इसमें 15 साधनाएं करा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, समय कम बचा है ताकि हम आपको मंत्र दे सकें और मंत्र देने के बाद हम मंत्र को कंठस्थ करके आ सके। मंत्र जब आपको कंठस्थ होगा तो आपको साधना करने में सहायता मिलेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी साधना होगी और आपको बैठने की क्षमता आपको बढ़ जाएगी। जब मंत्र कंठस्थ होगा तो घर से प्रैक्टिस करके आइएगा और बैठने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि आप 5 से 6 घंटे या 7-8 घंटे बैठ सकें। जब आप यहाँ आ जाए तो केवल आपका एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे साधना करने आया हूँ और जिस उद्देश्य से आया हूँ माँ भगवती को पूरा करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें। आप घर पे साधना करेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे,
बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आपको तंत्र सीखना है, तंत्र के बारे में जानना है, तो आपको ऐसे आश्रम का रुख करना पड़ेगा जहाँ पे तंत्र साधनाएं सिखाई जाती हूँ। तो शिव शक्ति साधना केंद्र ऐसी ही जगह है, ऐसा ही तंत्र सिखाने का इंस्टीट्यूट है, आश्रम है। यहाँ पे साधक तैयार किए जाते हैं और हम जो भी साधनाएं कराते हैं वो सब कुल देवी, कुल देवता, इष्ट पितृ या कोई भी देव देवी, महाकाली, महा माँ दुर्गा, हनुमान साधना, ये सारी साधनाएं हम, और जैसे बहुत सारी साधनाएं हैं, ऐसी साधनाएं अगर आप करना चाहते हैं या कोई भी अप्सरा की साधना करना चाहते हैं, यक्षिणी साधना करना चाहते हैं, तो पहले उसकी आपका बेसिक पूरी चीज़ें बताई जाएंगी, उसके दोनों पहलू अगर आप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जानने के बाद तभी आपको हम साधना कराएंगे। नहीं तो हम ऐसी साधना कराएंगे आपको ताकि आपको जीवन में कभी उसका दुष्परिणाम ना भोगना पड़े, या आपके बच्चों को ना भोगना पड़े, आपकी पीढ़ी को ना भोगना पड़े, ऐसी साधना हम आपको कराएंगे। तो ऐसी साधना करने के इच्छुक हैं तो अभी ये वीडियो सुबह अपलोड हो जाएगी मॉर्निंग में, और रजिस्ट्रेशन नया न्यू नंबर भी मिल गया है, तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सीधा संपर्क करें आश्रम के दो न्यू नंबर पर संपर्क करें ताकि उस पर कॉल जल्दी से आपकी लग जाएगी। और व्हाट्सएप जो भी चालू होगा, व्हाट्सएप होगा हमारे ही नंबर पे, यानी कि जो आश्रम का पुराना नंबर है उस पे व्हाट्सएप चालू होगा, व्हाट्सएप एक ही नंबर पे चालू होगा। आप व्हाट्सएप पे कोई भी डिटेल भेजनी होगी तो व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे आप, ठीक है। और जिनके काम पेंडिंग है, जिनके काम बीच में रुक गए थे, तो उनके सभी के अभी काम दोबारा से कर दिए, मतलब शुरू कर दिए जाएंगे, ठीक है। और जिसका जो भी काम पेंडिंग है सबके काम होंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चंदननाथ जी बैक आ चुके हैं और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस और पहले से ज़्यादा एनर्जी बॉडी में लग रही है, क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर लिया है मैंने। काफ़ी लंबे समय से नॉन स्टॉप आप लोगों से टच में था सोशल मीडिया पे, और वर्क कर रहा था, इधर आश्रम का कंस्ट्रक्शन का भी कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य उसको भी देखना था, ठीक है। बहुत सारे वर्क यानी कि बिजी हो गया था, तो अभी थोड़ा सा फ्री होने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको तंत्र की बेसिक ऐसी जानकारी दूंगा कि सोशल मीडिया पे किसी ने ना दी होगी और ना ही दे पाएगा। तंत्र को उस बुलंदी तक ले जाने की हमारी मेरी तमन्ना है कि तंत्र रियल में होता है, मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हमारे आश्रम में होते हैं जिन माता बहनों की हमने गोद भराई की, और जिनको बच्चे नहीं थे, संतान सुख से वंचित थे, जिनकी कोख कीलित थी या उनका गर्भ गिर जाता था, ऐसी जटिल गंभीर और लाइलाज बीमारी बोल सकते हैं इसको, या निगेटिव एनर्जी के संपर्क में आने के बाद। मैंने एक वीडियो देखी थी कि पिशाच जो होता है वो बच्चा खा जाता है। कोई फीमेल थी, बहन जी थी, उनकी वीडियो आ रही थी पॉडकास्ट में, वो वीडियो में बोल रही थी का एक होता है जल पिशाच, जो पानी से लग जाता है आपकी बॉडी में, मतलब एक बॉडी में पानी के थ्रू बॉडी में, मतलब इंजेक्ट हो जाता है, बॉडी में चला जाता है वो धीरे धीरे, और ये गर्भवती महिलाओं को बहुत दिक्कत करता है। पिशाच है वो बच्चा खा जाता है घर में, ऐसा नहीं होता है बहन जी। अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, तो लोगों को भ्रमित मत कीजिए, लोगों को डराइए मत। ये सारे काम करता है कच्चा कलुआ मशान, जिस बहन को मशान लगता है उसका गर्भ वो गिरा देता है, ठीक है। कोई पिशाच गर्भ नहीं गिराता है। और एक जल से कोई छलावा, हाँ एक वीडियो मैंने आपकी छलावा की देखी थी, तो बहन जी छलावा आपने देख लिया तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छलावा बहरूपिया होता है, कोई भी रूप बदलने में उसको समय नहीं लगता है, ठीक है। किसी की भी आवाज़ में, किसी की भी रूप में आके आपको आवाज़ देगा, और नाक में बोलता है, जिसको बोलते हैं छलावा, बोलता है क्या कन्या भाई, ठीक है और बता। ये सारी चीज़ें होती हैं, वो नाक में बात करता है, उसको बोलते हैं छलावा, जो कि तालाब में नदी किनारे रहता है। छलावा किसी को पानी में हाथ डालने से नहीं चला जाता है, वो उसकी बॉडी में चढ़ गया, उसको धीरे धीरे खोखला कर दिया, उसको बिल्कुल सुखा दिया और कंकाल बना दिया। ऐसा नहीं होता बहन जी, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा।
और कुछ व्यूज पाने के चक्कर में आप तंत्र का, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपको बोलने का अच्छा अनुभव है, बोलिए, आपकी जुबान पे सरस्वती है, लेकिन इस जुबान से लोगों को गलत ज्ञान मत दीजिएगा। सरस्वती विराजमान है तो अच्छे लोगों के उपाय बताइए, आपको ये करने से ये हो जाएगा, आपको लौंग से ये फायदा होगा, आपको सरसों से ये, पीली सरसों का उतारा करने से ये फायदा होगा, निगेटिव एनर्जी है, तो सारी चीज़ें अच्छी है ये, इनमें जो सारी चीज़ें होती हैं, उतारा लगाना, टोटके करना, तो इनसे क्या होता है, इनमें टोटकों में एक ऊर्जा होती है जो हमारे पूर्वज पिरो के गए। कहते हैं नज़र लग जाती है तो मिर्ची से उतारो, चप्पल से उतारो, जूते से उतारो, सारी चीज़ें रियल में होती हैं। तो ऐसे ऐसे ज्ञान दीजिएगा, लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, जिसको भी शिव शक्ति साधना केंद्र से जुड़ना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, चंदननाथ जी आ चुके हैं और एक से एक तंत्र की गुड़ी जानकारी हम देंगे और एक से एक साधनाएं हम आपको कराने वाले हैं। जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लो, सुबह 10 यानी कि सोमवार मंडे यानी कि कल 10 बजे सुबह मॉर्निंग में कॉलिंग शुरू हो जाएगी। जिसको भी बात करनी है, एक नहीं दो दो नंबरों पे जिसको भी बात करनी है आगे कर सकता है, किसी भी समस्या का समाधान करा सकता है, कोई भी ऑर्डर बुक कर सकता है हमारे आश्रम में। अभी आल सामग्री मिलने वाली है आपको, जो भी साधना सामग्री, पूजा हेतु कोई भी सामग्री चाहिए, कुशासन, माला, हवन सामग्री, जो गुग्गल, इलायची, काली मिर्च, काले तिल, लौंग, बतासा, कपूर, शहद, शक्कर, शुद्ध सामग्री, और वो भी आमंत्रित सामग्री यानी कि आपको दी जाएगी, वो बिल्कुल उसमें वो शुद्ध सामग्री होगी और वही मिलेगी जो ओरिजिनल होगी। आप पता नहीं कहाँ से लेते हैं नहीं ले। और आपको कुशासन या कोई भी माला पहनने के लिए, जागृत माला, जाप करने के लिए संस्कारित चाहिए, तो आप शिव शक्ति साधना केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते कॉलिंग पे कल सुबह 10 बजे के बाद। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश आदेश, आदेश।